हाँ दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज आप देख रहे हैं इस वीडियो में बॉट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा का ये दूसरा पार्ट। इससे पहले एक वीडियो मैंने बना दिया है, उस वीडियो में मैंने एकदम जीरो लेवल से आपको समझाया है कि एकदम शुरुआत से बॉट एंड स्ट्रीम को कैसे सीख सकते हैं, नाव धारा से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे न छूटे, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया था। ये दूसरा वीडियो है, कुछ टाइप के क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं करा पाया था इसमें करा दे रहा हूँ। और अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो दोस्तों मैं यहाँ आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो को सबसे पहले देखिएगा फिर इस वीडियो को देखिएगा जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं। दूसरी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल शुरू से समझ में आएगा, केवल दो वीडियो देखने से आपको बॉट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा सा मुझे बोलने में आज तकलीफ इसलिए हो रहा है कि जीभ में पूरा फोड़ा हो गया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे ऐसा होता है, और जिसके वजह से मुझे बोलने में तकलीफ हो रहा है। फिर भी मैं एक इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि दो दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, मैं गया चला गया था और आप लोग को पता है एक प्रमोद और जिसके हेल्प के लिए हम गए थे और आप लोगों ने इतना बड़ा सहयोग किया है और तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मानव की वो ज़िंदगी ही क्या जब मानव के काम ना आए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सवाल पर चलते हैं, उसकी सारी अपडेट मैं आगे भी आपको देते रहूँगा। अभी हम क्वेश्चन पर बात करते हैं और सबसे पहला हमारे सामने जो आज का सवाल होगा, दोस्तों मैंने 4 नंबर क्वेश्चन को कराया था पीछे और अभी 5वां क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। और ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि व्यक्ति किसी नदी के धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 25 मिनट में तय करता है, तो बताएं कि नदी के धारा की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों एक व्यक्ति किसी नदी के धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। जानते हैं एक व्यक्ति नदी के धारा की दिशा में यानी VD वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करने का मतलब 1/4 घंटा में। दूरी मैंने किलोमीटर में लिखा है इसलिए समय को घंटा में लिख दिया। तो दोस्तों ये 4 जाकर 1 में गुना हो जाएगा तो 4 × 4 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि धारा के दिशा में वो व्यक्ति जो जा रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। और सवाल कहता है कि उतनी ही दूरी मतलब वही 1 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 25 मिनट में तय करता है। धारा के विरुद्ध यानी भी अब यानी धारा इधर से बह रही है और वो व्यक्ति इधर आ रहा था, तो उसी दूरी को यानी 1 किलोमीटर दूरी को 25 मिनट में, तो मिनट वाला को घंटा में चेंज करना है क्योंकि जब दूरी किलोमीटर में हो तो समय को घंटा में लिख देना चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 5 से काटे 5 बार में, 5 से काटे 12 बार में, 12 ऊपर चला गया तो 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी दोस्तों हमें दो तरह के चाल पता हो गया, उस व्यक्ति का धारा के दिशा में 4 और धारा के विरुद्ध 12/5। दोस्तों जब दोनों दिशा में किसी व्यक्ति का चाल पता हो और उस व्यक्ति का ही चाल पूछा जाए, या नाव रहे तो नाव का चाल पूछा जाएगा, तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और अगर इसमें धारा की गति पूछा जाए, हमेशा धारा की गति जब भी पूछा जाए तो घटाकर 2 से भाग, 4 में से 12/5 यानी छोटा वाला को घटा देना है बड़ा वाला में से और 2 से भाग, 5 का 20, 20 में से 12 गया 8, 8/5 इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, पलट जाएगा तो 1/2।
यानी दोस्तों दो से काटे चार बार में, अब कहिएगा आप 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में था, यानी धारा की जो गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन सवाल पूछा है हम लोगों से कि जरा बताइए चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। तो दोस्तों 4/5 को मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो 5/18 से गुना करते हैं। ये किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल को मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। 5 से 5 कटा, 4 से 4 का आधा 2, 18 का आधा 9, इसको बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 2/9 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, मैंने पहले बताया आपको, आज मुझे बोलने में तकलीफ हो रहा है क्योंकि जीभ में बहुत ज़्यादा फोड़ा हो गया है और ये ठीक होने में 1-2 दिन लग सकता है, बहुत कष्ट होता है बोलने में अभी फिलहाल। आइए 6th question। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे, नदी के प्रवाह की गति क्या है। एक मोटर बोट क्या किया है, एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है, इसका मतलब वो मोटर बोट का ओरिजिनल चाल है। खड़े पानी, शांत जल, ठहरे हुए पानी, ऐसा जब भी बोलता है कि उसमें किसी व्यक्ति का या किसी नाव का चाल दिया है तो समझ जाइएगा कि वो उसका ओरिजिनल चाल है। जबकि धारा के साथ कोई जा रहा है और चाल दिया, वो ओरिजिनल नहीं है, या धारा के विरुद्ध है वो भी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है तो धारा मदद कर रहा है और धारा के विरुद्ध जा रहा है तो धारा उसे रोक रहा है उसके ओरिजिनल चाल को। दोस्तों तो एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल सकता है, यानी नाव का चाल हो गया हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, मतलब धारा की दिशा में 91 किलोमीटर गया और फिर वहीं लौट आया, इसका मतलब आते समय भी 91 किलोमीटर दूरी तय किया होगा, ये बात तो पक्का है। अब कहता है आने जाने में उसे कुल 20 घंटा समय लगा है, तब पूछता है नदी के प्रवाह की गति क्या है, यानी धारा की गति पूछा है। दोस्तों धारा की गति हमने मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रहे दोस्तों हमेशा धारा की गति नाव की गति से कम रहेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपरीत दिशा में कोई भी दूरी तय नहीं हो पाएगा। सोचिए अगर मान लीजिए धारा उधर से 20 के गति से बह रही है, आप जाइएगा 18 की गति से, तो पीछे ही फेंक आ जाइएगा, बात आ रहे समझ में, यानी आप विपरीत दिशा में दूरी तभी तय कर पाएंगे जब धारा की गति से आपकी गति अधिक होगी। इसीलिए हमेशा समझना, अब इन दोनों में तो आपको नहीं ऐसे पता चलेगा कि बड़ा कौन छोटा कौन, लेकिन ये नाव का चाल है इसलिए ज़्यादा होगा और धारा के चाल है इसलिए ये कम होगा। 91 किलोमीटर धारा के दिशा में गया और फिर 91 किलोमीटर आया भी और उसको टोटल समय लगा है, टोटल समय कितना लगा है पता है, टोटल समय इसमें दिया हुआ है 20 घंटा, टोटल समय 20 घंटा। तो क्यों ना जाने में लगा समय और आने में लगा समय निकाल ले और जोड़ के 20 घंटा लिख दे, सवाल सेट हो जाएगा। देखिए जब गया होगा तो धारा के दिशा में तो दोनों जुड़ गया होगा 10+x के चाल से, ऊपर दूरी नीचे चाल हो गया समय, यानी ये जाने में लगा समय और आते समय 10-x हो जाएगा, ये क्या हो गया जाने में लगा समय और ये आने में लगा समय, आने जाने में टोटल समय कितना लगा है दोस्तों 20 घंटा। अब दोस्तों इसको जब आप सोल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा और x आपने माना है धारा की गति, तो धारा का चाल पता चल जाएगा, लेकिन जब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा हो जाएगा गुणनखंड वाला लफड़ा, ये हो जाएगा समय ले लेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से जब आपको x का मान ही आंसर होगा आपका, क्योंकि x आपने धारा की चाल मान लिया है और धारा की गति ही पूछा है, तो x का वैल्यू ही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो ऑप्शन में होगा कि नहीं, तो ऑप्शन से मान को रख दीजिए। अगर मान लेते हैं ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन में ए में 3 दिया है, बी में 4 दिया है, सी में 2 दिया है और डी में 5 दिया है, यही धारा की चाल दिया होगा, धारा के चाल पूछा है, तो अरे जो पूछा है वही ना ऑप्शन में होगा कोई ना कोई, तो 3 लेके देखते हैं, 3 रखिएगा यहाँ, तो 10 और 3 13, 13 से 91 को काटिएगा 7 बार में, ये प्लस 3 यहाँ रखे हैं, ऑप्शन ए लिए हैं अभी, तो 10 में से 3 गया 7, 7 से 91 को काटेंगे 13 बार में, वाह 13 बार में, तो 13
प्लस 7 कितना हो जाता है, 20 के बराबर हो जाता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ऐसे काम कर दीजिएगा जब भी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आता है। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल बहुत ही जानदार और बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये मेंस में पूछा जाता है, सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आ चुका है ऐसे टाइप के। तो ऐसे टाइप के दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो आप खुद ही बना लीजिएगा। अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है, साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है, धारा की चाल क्या है। एक तो ये सवाल सीजीएल मेंस का है और ये डबल डाटा वाला क्वेश्चन है, यानी डाटा जो है दो दो बार है, ये दो दो सवाल के बराबर अकेले एक सवाल है, इसलिए घबराइएगा नहीं। हार्ड क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं आसानी से आपको सिखाएं, तो भागिएगा नहीं, रुके रहिएगा। इसमें क्या हुआ है, एक मोटर बोट एक गति से, गति मोटर बोट का नहीं पता है और ना ही धारा की गति पता है, सोचिए दोनों का गति नहीं पता है, किसी गति से वो 8 घंटा में धारा के दिशा में 25 किलोमीटर विपरीत में 25 किलोमीटर और धारा के दिशा में 39 किलोमीटर जा सकता है, धारा के विरुद्ध 25 किलोमीटर और धारा के दिशा में 39 किलोमीटर जा सकता है ना, तो आपको और ये 8 घंटा में जाएगा ना, तो आपको धारा की गति पता है ना नाव की गति पता है। उसके बाद फिर एक डाटा देता है कि वही मोटर बोट जो है उसी गति से जैसे चल रहा था 11 घंटा में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर और अनुदिश 52 किलोमीटर, यानी धारा के साथ 52 किलोमीटर जाएगा कितना देर में, 11 घंटा में। ये दो समीकरण वाला सवाल है दोस्तों, चलिए इसको बनाते हैं, समीकरण सेट करते हैं। तो नाव का चाल हम मान लेते हैं, नाव का चाल हमने मान लिया एक मोटर बोट एक गति, नाव का चाल मान लीजिए एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति हम मान लेते हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। पहले बोला है 8 घंटा में धारा के विरुद्ध 25 किलोमीटर और धारा के दिशा में 39 किलोमीटर चला, जब भी धारा के दिशा में जाएगा ना दोस्तों तो जुड़ जाएगा चाल, दोनों चाल जुड़ जाएगा और धारा के विरुद्ध होगा तो चाल घट जाएगा। इस 25 किलोमीटर दूरी को पहले गया है धारा के विरुद्ध में तो x माइनस वाई हो गया चाल, और 39 किलोमीटर को जब गया होगा धारा के साथ आया है तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, आने जाने में टोटल लगा है 8 घंटा समय, ये पहला समीकरण हो गया हमारा। दूसरा समीकरण कि वो 35 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में तो चाल घटा के गया होगा, इस चाल से गया होगा x माइनस वाई के चाल से, और वो 52 किलोमीटर आता है, 52 किलोमीटर आता है धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में तो x प्लस वाई चाल हो जाएगा। और कितना में जानते हैं, ये देखिए दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, ये टोटल समय अब लगा है कितना, हमें अब जो लगा है वो 11 घंटा लगा है, 11 घंटा। ये दूसरा समीकरण हो गया दोस्तों। अब क्या करना होगा, कभी कभी तो मान लीजिए ये समीकरण घट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस करना होगा, ऐसे नहीं घट रहा है, बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। एक काम करते हैं, 35 को 175 बना सकते हैं, 35 पचे अब 25 सत 175 होता है, क्यों ना ऊपर में हम 7 से गुना कर दे, पूरे में 7 से गुना कर देते हैं तो 8 सत 56, 7 से गुना किए 9 सत 63 और 7 21 और 6 27 273 और 7 से यहाँ किए 25 सत 175, इसको भी 175 बनाना है तो 5 से करना होगा, तो 5 से पूरे में गुना करना होगा ना, तो गुना हम यहाँ 5 से कर लेते हैं, 11 पचे 55, 5 से कर दिए 52 पचे 260, 5 से कर दिए 35 पचे 175। अब दोस्तों आपको समझना है 175 बटा x माइनस वाई, आपको क्या समझना है, ऊपर वाला 175 बटा x माइनस वाई प्लस ये वाला आपको समझना है 273 बटा x प्लस वाई और बराबर ये समझना है 56। ट्रिक मत खोजिएगा इस सवाल में, ट्रिक मत खोजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा, समझ में नहीं आएगा, ट्रिक नहीं इसका। यहाँ देखिए 175 बटा x माइनस वाई प्लस ये वाला कितना हो गया 260 बटा x प्लस वाई अब बराबर ये कितना हो गया 55। एक काम करते हैं, समीकरण को घटा देते हैं, पूरे प्लस में है तो इसको पूरा माइनस कर देते हैं, अगर घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, इस प्लस अब ना है, माइनस समझना है, इससे ये तो चला गया जीरो हो गया घट के, और इसका इसका आधार समान है तो x प्लस वाई ही रहेगा, x प्लस वाई, और ऊपर वाला जीव का त्यू घट जाएगा 200
73 में से 260 घट जाएगा तो 13, अब बराबर 56 में से 55 गया तो 1, यानी x प्लस वाई बराबर 13 हो गया। दोस्तों हमें एक समीकरण पता चला x प्लस वाई बराबर कितना हो गया हमारा 13। अब x माइनस वाई का भी मान निकाल लेते हैं, वो कैसे? सिंपल, अगर x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं 13 आया है, 13 दूना 26, 20 बार में कटा, 20 उधर जाके घटा 35, 35 से 175 को काटे 7 बार में, x माइनस वाई बराबर 7 हो गया। तो अब देखिए इस समीकरण में आपको किसका मान पूछा है, पूछा है आपसे धारा की गति, धारा की गति यानी y का वैल्यू। तो दोनों को जोड़ के देखिए x प्लस वाई में से धारा छोटा है तो छोटा वाला संख्या निकालने के लिए इसमें से जब x प्लस वाई या x माइनस वाई पता हो तो जो छोटा है छोटा वाला का जब भी वैल्यू निकालना हो तो 13 7 घटा दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, 13 में से 7 गया 6, 6 को 2 से भाग दिए 3, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी में x का मान निकालना होता तो जोड़ के 2 से भाग, 13 प्लस 7 20 हो गया, 20 को 2 से भाग कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपसे पूछ लेता कि धारा की गति तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आपसे पूछ लेता कि नाव का गति तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों मिलकर 13 है ना। तो चलिए इसे थोड़ा इत्मीनान से और एक बार फिर से समझ लीजिएगा खुद से, और इसे ज़रूर एक बार बनाइएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझिएगा, क्वेश्चन का लेवल हाई है इसलिए समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अगला, एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है, यदि उसे 24 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटे लगते हैं तो पानी के धारा की गति क्या है। पानी के धारा की गति पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है, स्थिर पानी में, सवाल नंबर 8, यानी नाव का जो ओरिजिनल चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद कहता है उसे 24 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाने और लौटने में 5 घंटा लगता है, तो पानी के धारा की गति, धारा की गति हमें नहीं पता है, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा वो 24 किलोमीटर जाएगा, 24 किलोमीटर आएगा, 24 किलोमीटर जाएगा और वापस आएगा तो 24 किलोमीटर आएगा, और उसे 5 घंटा लगा है। तो एक काम करते हैं, सोचिए अगर मान लीजिए वो यहाँ पर बोला है कि 24 किलोमीटर दूर स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटा लगा है, तो अगर मान लेते हैं धारा की दिशा में गया होगा तो 10 प्लस एक्स के चाल से, और जब आया होगा तो 10 माइनस एक्स के चाल से, ठीक है, क्योंकि धारा के दिशा में जाएगा तो धारा के विरुद्ध आना भी पड़ेगा। अब तो दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, आने जाने में टोटल समय कितना लगा, आने जाने में टोटल समय 5 घंटा लगा। अब दोस्तों हम ऑप्शन से यहाँ वैल्यू रखकर x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि धारा की गति पूछा है, हमने x माना तो धारा की गति x माना है, यानी x की वैल्यू जो आएगा वही धारा का चाल, तो ऑप्शन में धारा कितना गति दिया होगा, ऑप्शन ए में है दोस्तों 2, ठीक है। अब मान लीजिए ऑप्शन ए रख के देखते हैं, ऑप्शन बी में 3 है और आगे भी है, अगर मान लीजिए 2 रखते हैं, 10 में से 2 गया तो 8, 8 से 24 को काटे 3 बार में, x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो 10 से 2 12, 12 से 24 को काटे 2 बार में, यहाँ 3 बार में 2 बार में, 2 3 5 हो गया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाइएगा, बाकी इसका एलसीएम लेके आप बनाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को, आइए दोस्तों अगला सवाल है हमारा, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेच सकता है, माने नाव चला सकता है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, तो उसकी चाल का धारा के चाल से अनुपात क्या होगा, उसका चाल का अनुपात धारा के चाल से अनुपात पूछा है। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेच सकता है, धारा के विपरीत का मतलब हुआ Vm, और 3/4 यानी इतना दूरी जो है वो 15 मिनट में, 3/4 किलोमीटर दूरी 15 मिनट मतलब 1/4 घंटा में, यानी दोस्तों ये क्या हो गया, देखिए 3/4 गुना में ले जाएंगे तो 4/1
किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चार से चार कट गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध उसकी गति है। आगे सवाल कहता है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट ही लगता है, मतलब वापस जब आएगा तो वो भीडी हो जाएगा, धारा की दिशा में वो आएगा, कह रहा है धारा के दिशा में 10 मिनट लगता है, तो उसी दूरी को यानी 3/4 किलोमीटर दूरी तय करने में अब उसे 10 मिनट ही लगेगा, क्योंकि धारा के साथ वो आएगा, तो 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब है कि 10 और मिनट मिनट है, घंटा में लाने के लिए 60 से भाग, तो घंटा हो गया 0 से 0। अब ये ऊपर चला गया तो देखिए 3/4 ऊपर चला गया, 6/1 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, यानी 3 × 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया धारा के दिशा में उसकी गति। अब आपसे पूछा है उसकी चाल का धारा के चाल से अनुपात क्या होगा। एक काम करते हैं, आदमी का चाल अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, या नाव का चाल निकालना हो तो जोड़ के 2 से भाग, ठीक है, तो जोड़ के 2 से भाग यानी 3 + 9/2, इसको जोड़ के 2 से भाग दे दिए, 3 × 6 = 9, 15, 15/2, इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1, यानी ऊपर चल गया तो 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15/4 किलोमीटर प्रति घंटा उस नाव का चाल हो गया। और धारा की गति निकालनी है तो घटा के 2 से भाग, 3 में से 9/2 घटाइए, 9/2 बड़ा है तो बड़ा में से घटाइएगा, 9/2 में से 3 घटा दीजिए और 2 से भाग। जोड़ने के लिए तो किसी आगे पीछे कहीं जोड़ सकते हो, लेकिन घटाने के लिए बड़ा में से छोटा घटाना है, 3 × 6 यानी 9 में से 6 गया ऊपर 3/2, और ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको नाव का चाल पता, धारा का चाल पता, तो इसका अनुपात पूछा है, तो 15/4 का अनुपात 3/4 से, 4 से 4 कट गया और 3 × 3, 3 × 5 = 15, यानी 5:1 का रेशियो हमारा हो गया, 5:1 ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, इसके बाद अब एडवांस मैथ मैं शुरू करने वाला हूँ, तो एडवांस मैथ में कहाँ से, किस टॉपिक से मैं शुरू करूँ, नीचे कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और आज जो मैंने पढ़ाया बॉट एंड स्टिंग, इससे पहले का एक पार्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन में रखिएगा, इसलिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप आसानी से गणित को सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।